नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे एक्वा चेक शुगर मॉनिटरिंग मशीन के मदद से अपना ब्लड शुगर को आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो, एक्वा चेक मशीन है, ये शुगर मॉनिटरिंग मशीन है। इसके जरिए से आप घर बैठे अपना शुगर को चेक कर सकते हैं। इसका प्राइस आपको लगभग 1500 का आसपास पड़ेगा, अमेजोन पे आप खरीद सकते हो। बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, आप घर बैठे अपना शुगर चेक कर सकते हो। आपको यदि आप डायबिटीज का पेशेंट हो, आप शुगर का पेशेंट हो, तो आपको बार बार हॉस्पिटल विजिट करने का जरूरत नहीं है शुगर चेक के लिए। आप खुद से ये मशीन खरीद के घर बैठे अपना शुगर को चेक कर सकते हो। दोस्तों ये मशीन रखने का ये फायदा है कि आप घर बैठे चेक कर सकते हो, और कभी आपको मीठा खाने का दिल भी करता है तो इंस्टेंटली आप चेक कर सकते हो। यदि लो है तो थोड़ा बहुत आप मीठा भी खा सकते हो। तो इस प्रकार से जो है आप अपना शुगर का लेवल जो है वो मेंटेन करके रख पाओगे। तो दोस्तों इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यदि आपको खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कि इसे एक्चुअली यूज कैसे किया जाता है। ये इसका डब्बा आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और डब्बा के अंदर आपको ये छोटा सा बॉक्स मिलेगा ब्लैक कलर का, और जिसके अंदर आपको मेजर डिवाइसेस दिया गया है। यहाँ पे चार चीजों का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहला आपको यहाँ पे मिलता है लेंसेट डिवाइस, इसे लेंसेट कहा जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे लेंसेट डालना होगा, और लेंसेट के जरिए से ही जो है दोस्तों आपका ब्लड को निकाला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलते हैं स्ट्राइप, ठीक है, इसे स्ट्राइप कहा जाता है, ठीक है, इसे स्ट्राइप कहा जाता है, इसे हम साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है लेंसेट, इसे लेंसेट कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलता है फाइनली, ये है शुगर मॉनिटरिंग डिवाइस। इसके जरिए से आप चेक कर पाओगे कि आपका शुगर का लेवल कितना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लेंसेट डिवाइस को आपको निकालना है, ठीक है। मेक श्योर कि ये डॉट जो आपको दिखाई दे रहा है, डॉट डॉट वन वन पॉइंट टू टू पॉइंट, ये आपको दिखाई दे रहा है, सबसे जीरो पॉइंट ही है, ठीक है, डॉट वाला ये जीरो पॉइंट है, तो इसी में आपको रिमूव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेंसेट भरना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे यहाँ पे घुसा देना है, उसके बाद आपको इसे यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। ये आपने रिमूव कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये नीडल्स जो है, इसी के जरिए से आपका ब्लड जो है निकाला जाएगा। थोड़ा भी हर्ट नहीं होता है, घबराने वाली बात नहीं है। तो इसे आपको यहाँ से डालना है, ठीक है, ये जो आपको जीरो पॉइंट दिखाई दे रहा है यहीं से आपको दबाना है। ये जब साउंड करेगा तो समझ लेना कि ये लॉक हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इसे अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पॉइंट वन वन पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, टू में आप रख के जो है अपना ब्लड को निकाल सकते हो। लेकिन यदि टू में भी आपका ब्लड नहीं निकलता है तो आप थ्री में लगा सकते हो। मेरा जो है मैं थ्री में ही लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये लॉक करना होगा, इसे आपको लॉक करना होगा, ठीक है, लॉक करना होगा। उसके बाद आपको ये बटन को प्रेस करके ब्लड निकालना होगा, ठीक है। तो अभी ब्लड निकालने से पहले आपको सेकेंड थिंग जो करना है वो आपको ये स्ट्राइप्स लेके, तो दोस्तों ये स्ट्राइप्स लेके आपको यहाँ पे घुसाना है, ठीक है, धीरे से आपको घुसाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नंबर्स भी आ गया है। तो अभी घुसाने के साथ साथ 90 सेकेंड के अंदर में आपको यहाँ पे ब्लड लगाना होगा ये जगह पे, ठीक है। तो फटाफट से हम कर लेते हैं, मेक श्योर कि 90 सेकेंड के अंदर में आपको करना होगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, इसे जोर से दबाइएगा, ठीक है, ब्लड निकालने के लिए, ताकि थोड़ा बहुत ब्लड जो है यहाँ पे जमा हो जाए। उसके बाद इसे थोड़ा जोर से दबा के करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लड निकल गया है, ब्लड थोड़ा ज्यादा निकलना है, मेक श्योर कि ब्लड थोड़ा ज्यादा निकले, नहीं तो आपका मशीन काम नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, ठीक है। तो 90 सेकेंड हो गया या फिर पता नहीं, देखते। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो 110 यहाँ पे दिया गया है, मेरा ब्लड जो शुगर लेवल है 110 है। दोस्तों आप खाली पेट में कुछ भी नहीं खा के शुगर चेक करते हो तो तब आपका 60 से लेकर 120 तक आपका शो करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एकदम नॉर्मल शो कर रहा है, मेरा शुगर जो है एकदम नॉर्मल है। और यदि आपने कुछ खा लिया है और खाने के बाद आप कर रहे हो तो आपका 120 से लेकर 180 के अंदर में आपका शुगर होना चाहिए, ठीक है, तो वो आपका नॉर्मल रहता है। और यदि उससे ज्यादा है तो मतलब
आपका शुगर ज्यादा है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों वो आसानी के साथ आप चेक कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन पे सारा लिंक देके रखा है और डिटेल्स देके रखा है, आप चेक कर सकते हो किस प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।